नमस्कार दर्शक मित्रों, हार्दिक स्वागत है आपका एसीपीसी एडमिशन प्रोसेस के वीडियो की सीरीज में, जिसमें हम आपके साथ ताजा जानकारियां शेयर करते हैं और आपके प्रश्नों का समाधान करते हैं। दर्शक मित्रों, आपके हमें बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो आइए इस वीडियो में हम आपके कुछ प्रश्न ले लेते हैं। जो सबसे ज्यादा प्रश्न हमें पूछा जा रहा है वह ये है कि जेईई मेन के लिए जो चॉइस फिलिंग है वो कब स्टार्ट होगी। तो दर्शक मित्रों, इसके लिए स्पष्टता से समझना बहुत जरूरी है, तो आइए हम इसके बारे में सब कुछ डिटेल समझते हैं। दर्शक मित्रों, आपका मेरिट रैंक डिक्लेयर हो चुका है, 25 सितंबर को मेरिट रैंक आ चुका है। आप अपने प्रोफाइल में जाकर यह मेरिट रैंक देख सकते हैं। दर्शक मित्रों, एक प्रश्न जो हमको लगातार पूछा जा रहा है कि सर, जो एसीपीसी का रैंक है वह अलग है और हमारा जो जेईई मेन का जो रैंक है वह अलग है। तो दर्शक मित्रों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेईई मेन का जो रैंक है आपका, उसके आधार पर आपने रजिस्ट्रेशन किया है और एसीपीसी ने केवल उन लोगों का रैंक निकाला है जो लोग एसीपीसी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। तो दर्शक मित्रों, निश्चित रूप से दोनों अलग अलग ही होंगे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगली बात यह है दर्शक मित्रों की गुजकेट के लिए 95% सीट्स जो है वो रिजर्व है और जेईई मेन के लिए 5% सीट्स रिजर्व है। दर्शक मित्रों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसको लेकर काफी सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन है वह ये है कि जेईई मेन के थ्रू चॉइस फिलिंग कब स्टार्ट होगी और हम कैसे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेईई मेन के द्वारा भी अब आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यानी आज से ही आपके लिए भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब प्रश्न ये उठ रहा है दर्शक मित्रों कि हमें जेईई मेन के थ्रू चॉइस फिलिंग करना चाहिए, गुजकेट के थ्रू चॉइस फिलिंग करना चाहिए, कौन सा कंसिडर किया जाएगा। तो दर्शक मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ सिंगल चॉइस फिलिंग सिस्टम है, आपको सिर्फ एक ही चॉइस फिलिंग करनी है, यानी कि आपको एक ही प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है गुजकेट के या जेईई मेन के थ्रू, जिसमें से भी आपकी बेस्ट चॉइस मिलेगी वह कॉलेज आपको मिल जाएगा। दर्शक मित्रों, इसको आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दर्शक मित्रों, आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में 8 चॉइसेस ऐड की हैं, यानी यहां पर आपने 8 चॉइसेस ऐड की हैं। अब यदि गुजकेट के थ्रू आपको दूसरी चॉइस मिल रही होगी और जेईई मेन के थ्रू आपको सातवीं चॉइस मिल रही होगी, तो आपको अपने आप ही गुजकेट के थ्रू चॉइस मिल जाएगी, क्योंकि यह जो चॉइस है यह आपके दूसरे नंबर पर है। इसी तरह से यदि आपको मान लीजिए जेईई मेन के थ्रू आपकी फर्स्ट चॉइस मिल रही होगी और गुजकेट के थ्रू आपकी पांचवी चॉइस मिल रही होगी, तो उस केस में आपकी फर्स्ट चॉइस जेईई मेन के आधार पर आपको मिल जाएगी, मतलब दोनों में से जो बेस्ट होगा उसके आधार पर आपको चॉइस मिल जाएगी। तो इस हिसाब से आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चॉइस फिलिंग कर दीजिए, अपने आप आपकी बेस्ट चॉइस आपको दोनों में से किसी के भी आधार पर मिल जाएगी। अगली बात यह है दर्शक मित्रों कि कई विद्यार्थियों का ऐसा प्रश्न आ रहा है कि हमें चॉइस अपनी नहीं मिल पाई है। इसका मतलब यह है दर्शक मित्रों कि आपने कम चॉइस फील की थी, आपको अपनी चॉइस फीलिंग की जो लिस्ट है वो बड़ी करनी है, ताकि किसी न किसी कॉलेज में आपको जरूर मिल जाए। तो ज्यादा से ज्यादा चॉइस फील करें दर्शक मित्रों। अगली बात यह है दर्शक मित्रों कि हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि आप एक लिस्ट बनाइए, अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए, वन बाय वन उसमें कॉलेज डालते जाइए, उसमें लिखते जाइए कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपको चाहिए, उसके सामने उसकी ब्रांच कौन सी, इस तरह से आप लिस्ट बनाइए और उसके बाद आप चॉइस फील करने बैठिए। दर्शक मित्रों, आपको चॉइस फील बहुत ध्यान से करना है और चॉइस फील करने के बाद इसको सेव जरूर कर देना है। दर्शक मित्रों, यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है, यदि आपको कोई परेशानी आ रही हो एडमिशन से रिलेटेड, तो आप हमें इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप मैसेज भी कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, यह जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना प्रश्न लिखकर भी भेज सकते हैं, हम आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। दर्शक मित्रों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, उन्हें देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें आपको जानकारी मिले और आप वो वीडियो देख पाए। यह वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।